कन्या राशि में बनेगी सूर्य और मंगल की युति, कई राशियां हो जाएंगी बेहद ताकतवर। सूर्य ग्रह है ऊर्जा के पावर हाउस, जबकि मंगल को साहस, ऊर्जा, जुनून और आक्रामकता का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में सूर्य और मंगल की युति देती है जीवन में जबरदस्त सफलताएं। 17 सितंबर को सूर्य आएंगे कन्या राशि में, जबकि 24 सितंबर को मंगल ग्रह कन्या राशि में हो जाएंगे अस्त। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष चर्चा के इस कार्यक्रम में मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे Facebook पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों के लिए जानकारी लेने आया हूं कि हमारे ब्रह्मांड के दो जोशीले ग्रह सूर्य और मंगल की युति बनने जा रही है और ये कॉम्बिनेशन कई राशियों की जिंदगी में गजब की सफलता की कहानी लिखेगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे और 24 सितंबर को मंगल ग्रह कन्या राशि में अस्त हो जाएंगे। कन्या राशि में सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन कई राशियों को बहुत ताकतवर कर देगा। इस समय हमारे ज्योतिष में नवग्रहों में सेनापति कहे जाने वाले भूमि पितर मंगल ग्रह कन्या राशि में विराजमान है और वह 24 सितंबर 2023 को शाम 6:26 पर कन्या राशि में अस्त होने जा रहे हैं और उससे पहले 17 सितंबर से ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यानी कन्या राशि में सूर्य के गोचर शुरू करते ही मंगल और सूर्य की युति बन जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल दोनों ही अग्रेसिव ग्रह माने गए हैं, जोशीले ग्रह माने गए हैं, अग्नि तत्वों प्रधान ग्रह माने गए हैं। मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा, जुनून और आक्रामकता का कारक ग्रह है, जबकि सूर्य ग्रह को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है और इसे मान सम्मान, यश, बल और गौरव का प्रतीक भी माना जाता है। जब सूर्य और मंगल की युति होती है तो ये युति व्यक्ति को बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी बना देती है। व्यक्ति के जीवन पर इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। सूर्य व्यक्ति के स्वभाव, पर्सनैलिटी, स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मंगल ग्रह शक्ति का, उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट, स्ट्रगल, संघर्ष और सफलता के लिए जाने जाते हैं। और जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दोनों ग्रह पावरफुल हों तो उस व्यक्ति को नए कामों में करने का उत्साह मिलता है, संघर्षों से अपना रास्ता निकालने की शक्ति मिलती है। लेकिन कुंडली में मंगल और सूर्य अशुभ हों तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कई परेशानियों का कारक भी बनता है। सूर्य स्वयं एक बहुत शक्तिशाली ग्रह है और मंगल एक अत्यधिक ऊर्जावान ग्रह है। इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का कॉम्बिनेशन 17 सितंबर से बनने जा रहा है, जब सूर्य कन्या राशि में आकर मंगल के साथ युति बनाएंगे और 24 सितंबर को मंगल कन्या राशि में अस्त हो जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति किन राशियों के लिए बहुत शानदार रहने वाली है और जबरदस्त सफलता देने वाली है, इस बारे में मैं आज की इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे पेज और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर फॉलो कीजिए। मंगल और सूर्य की युति से जिस राशि को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है वो मेष राशि है। मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, सूर्य की ये उच्च राशि है, इसलिए मेष राशि वाले डबल फायदे में रहेंगे। मंगल और सूर्य मिलकर मेष राशि वालों के गुप्त शत्रुओं को खत्म करेंगे और गुप्त शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आप कोई कानूनी मुकदमा लड़ रहे हैं तो ये समय आपके फेवर में है, लेकिन आपको अपने थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों को माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के लिहाज से यह समय बहुत शानदार है, आपका व्यापार तरक्की करेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरी भाग्यशाली राशि कर्क राशि है। इस समय अचानक आपको कर्क राशि वालों को धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी वाणी में एक अलग तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप विदेश में नौकरी या शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार के लोगों की इच्छाओं को पूरी करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी। जो लोग मार्केटिंग से, मीडिया से, कला से, एंटरटेनमेंट से और कम्युनिकेशन से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है। और उसके बाद अगली भाग्यशाली राशि कन्या राशि है, जिसमें मंगल और सूर्य का गोचर जो है वो जबरदस्त लाभ देगा। इस समय आपको संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कहीं अटका हुआ धन प्राप्त मिल सकता है, नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा
और परिवार के सभी सदस्यों में अच्छी गुडविल और प्रेम बना रहेगा। आपका भाग्य का आपका साथ मिलेगा, अटके हुए काम आपके पूरे होंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है और ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और मंगल के प्रभाव के कारण वृश्चिक राशि के लोग कोई भी साहसिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी, इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, इनकम के नए नए सोर्स बन सकते हैं और बिजनेस से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी। आपको संतान संबंधी को सुखद खबर मिल सकती है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। मैं गुरमीत बेदी।